ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। रात उसे छुपा रही थी, धुएं की तरह अब्दुल को लेकर निकल चुका था जलाल। आमिर से जितना दूर जा रहा था, हवाएं बदले की आग को उतना ही भड़का रही थी। राजपूतों का सर्वनाश उसका मकसद बन चुका था। जाने अनजाने में जंग का आगाज हो चुका था और वहां कारावास की दीवार पर लिखे लफ्ज पढ़ रही थी जोधा। पर जंग तो बिना लड़े ही जीत ली थी जलाल ने। सरेआम राजपूतों के चेहरों पर मुगलों का तमाचा था, जिसकी गूंज अब पूरे राजपूताना में गूंजने वाली थी। जाओ ढूंढो उसे और देखते ही खत्म कर दो दोनों को। खुद तो पढ़ा लिखा था नहीं वो, पर दीवारों पर अपने मंसूबे अब्दुल के हाथों लिखवा कर गया था। पर उसमें भी बात कहां पूरी थी। हर पल अपनी गर्दन पर जोधा की रखी तलवार जो महसूस करता था। अब एक ही ख्वाहिश थी, जोधा को अपने जनान खाने में कैद करने की। देवी मां की कृपा है, आप ठीक हैं कुवरीसा? अच्छा हुआ कि वो कैदी को ले गया। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि यदि वो कैदी की जगह आपको अपनी मिट्टी ने रौंद कर गया है, वो राजपूतारी पगड़ी को उछाल कर गया है, वो हमारी तलवार को चुनौती देकर गया है, वो खाओ कसम इस मिट्टी की कि दुश्मन हमारी जमीन से बच के नहीं जाएगा। तो जाओ और ढूंढो उसे, जो उसे ढूंढ लाएगा वो सारे राजपूताना का उप सेनापति होगा। ये हमारा वचन है। जाओ। अगर जीवित रहना चाहते हो तो हमारे अधीन हो जाओ, राजपूत तुम्हें जीवन दान देंगे। शहंशाह की तलवार में इतनी हिम्मत नहीं जो राजपूती किले के पत्थरों को तोड़ सके।
उल्टा पीठ पर नहीं सीने पर वार करता है। जल्लाद कहीं का इतना क्रूर है कि अपने लोगों के हाथ पैर को काटता फिरता है, औरतों का सम्मान तो वो करना जानता ही नहीं। जल्लाद की सूरत देखिए, अब सीरत भी देखो। क्या हुआ? कट आया दुश्मन अली पहाड़ी के पीछे। दीदी दीदी रुक जाओ, दीदी कहाँ जा रही हो? रुक जाओ दीदी, अरे कोई रुको ना उन्हें। सारी लाशों का जवाब देना होगा तुझे, राजपूतों की खून की हर बूंद का हिसाब देना होगा तुझे। जिस दिन मुझसे सामना होगा तेरा, तू इस दुनिया में नहीं होगा जलाल। पिघला दो अपनी तलवारें और पहन लो चूड़ी सब के सब। वो अकेला इतने सारे राजपूतों के सामने, जहां से हमारा एक बंदी कभी नहीं भागा, वो अपने गुप्तचर को लेकर भाग गया। क्या करें, उसके साहस को सराहें या अपनी हार पर रोएं? उस जलालुद्दीन ने हमारी पीठ पर वार किया है, पर हम राजपूत उसकी तरह कायर नहीं है। सीने पर वार करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब तो हम आमेर के राजा कहलाने के योग्य ही नहीं रहे। आप जी छोटा मत कीजिए, ये सारे राजपूतों की गलती है। हाँ, इनमें से कोई भी जीवित रहने के योग्य नहीं। खंगार सिंह, अरे हुओं को नहीं मारते, राजपूतों की आन और शान के विरुद्ध है ये। कौन सी आन और शान भाई साहब, वो सब तो छीन कर ले गए हमसे। सब ठीक हो जाएगा, आप सब विश्वास रखिए। कुछ घाव सांत्वना से परे होते हैं राजा सूर्यभान सिंह। मानते हैं, किंतु हर गांव का एक ही उत्तर है, बदला। और राजपूत अपने अपमान का जवाब देना अच्छी तरह से जानते हैं। हमें मां जम्बाई देवी की सौगंध कि जब तक जलाल का सर हम अपनी तलवार से काट कर नहीं लाते, तब तक हम जोधा से ब्याह नहीं करेंगे। और इस बार मरेंगे नहीं, मारेंगे। हाँ हाँ, मारेंगे। ये क्या दादी साहब, अब बिना किसी त्योहार सबको सिंदूरदानी दे रही हैं? त्योहार बहुत जल्दी आने वाला है ना बेटी। कौन सा त्योहार? युद्ध।
हम राजपुतानियों का ये नसीब है, जब तक पति जिंदा रहता है ये हमारे माथे की शोभा बना रहता है, और जैसे पति गुजर गया तो इसके साथ जल जाओ। क्या ये युद्ध टल नहीं सकता दादी साहब? अब तो ना ये युद्ध टल सकता है और ना ही मृत्यु, और हमारी पराजय हुई तो उस समय राजपूतों के आन बान शान उन मुगलों से बचाने का हम औरतों के पास बस एक ही उपाय है, चोर। आपने तो हारने से पहले ही हार मान ली है जेठानी सा। हम मानते हैं कि युद्ध अटल है, पर अब आमिर के साथ भानपुर जुड़ गया है, राजा सूर्यभान हमारे साथ है, और फिर चौधा और राजा सूर्यभान का ब्याह भी होने वाला है। युद्ध से सीमाएं बदलती हैं, मन भी और रिश्ते भी। ये रिश्ता नहीं बदलेगा, जिस तरह युद्ध अटल है उसी तरह राजा सूर्यभान और जोधा का रिश्ता भी। तथास्तु। जोधा कहाँ है? हम अभी देखते हैं। वहां उस दिन बावड़ी के पास क्या कर रहे थे? इसी मिट्टी के बने हैं, इसी मिट्टी की कसम, वो जो कोई भी है देवी मां, उसने आपके गहने उतारे, हम उसका सर उतार कर ले आएंगे। जोधा क्या कर रही हो? जल जाती तो? जल ही तो रहे हैं मासा, वो जल्लाद हमारे सामने खड़ा था और हम उसे अपना समझने की भूल कर बैठे। छोड़ो ये सब, तुम्हारी दादी साहब कब से तुम्हें बुला रही है, चलो। कब तक तुम यूं ही अकेली? जोधा, जोधा, हमारी तलवार उसके गर्दन पर थी और वो अपने कपट से बच गया। सुना था कि बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन आज उसकी कायरता हमारे सामने आ गई, इसलिए तो राजपूतों के भेष में पिछले 3 दिनों से हमारे पीठ पीछे वार करने की योजना बना रहा था। 3 दिनों से? हाँ मासा, पता नहीं किस इरादे से आया था, पर अपने कदम रखकर हमारे चौखट को मैली कर गया, गणगौर के बड़े दिनों को अशुभ कर गया, और तो और उस दिन बावड़ी में भी सूर्यभान जी की जगह हमने उस मनहूस जलाल के चेहरे को ही देखा था। शगुन की कहनी गलत हुई ना मैनावती, दुनिया में शगुन ही नहीं दिखेगी। जोधा मुगलों के घर जाएगी। कनिका महारानी मासा, क्या हुआ मोती भाई, तुम रो क्यों रही हो? एक बुरी खबर थी। क्या? जी, राजा सूर्यभान ने जोधा से विवाह करने से मना कर दी। नहीं, ये पत्र राजा सूर्यभान ने आपको देने के लिए कहा। क्या लिखा है इस पत्र में, बात क्या है? ये क्या सुन रहे हम? आप हमारे जोधा के साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? जोधा से ब्याह न करने का निर्णय हमारा नहीं, स्वयं राजा सूर्यभान सिंह का है। तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं?
राजा सूर्यभान सिंह एक आदर्श राजा है और एक आदर्श राजा के लिए उसकी प्रजा और उसकी सुरक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है, अपने परिवार से भी बड़ा। आप सहमत हैं? हम उनके स्थान पर होते तो हम भी वही करते। हमें पता है कि राजपूतों में ऐसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाती, पर हमें कुछ जरूरी बात करनी थी। हमारे निर्णय की सूचना तो आप तक पहुंच ही गई होगी। हमें गलत मत समझिएगा जोधा, कलामेर में हमारे ब्याह की घोषणा का कुलाल था और आज युद्ध की घोषणा का है। जहां एक तरफ प्रजा के माथे पर जलाल का डर होगा, वहां हमारे माथे पर शादी की पगड़ी पहनना अच्छा नहीं लगेगा। कल तक सीमाएं जोड़ने की बात थी, आज बचाने की है। हमें युद्ध की तैयारी के लिए चलना होगा, मिट्टी का ऋण चुकाना होगा। उसी मिट्टी के बने हम इस बात का गर्व रखते हैं कि हम एक ऐसे राजा की रानी बनेंगे जो अपने बारे में ना सोचकर पहले आमेर के पूरे राजपुताना के बारे में सोचते हैं। अगर युद्ध में कोई अनहोनी हो गई तो शगुनी भाई की बात सच हो गई तो हमारी जोधा का क्या होगा? जाते जाते इतना अवश्य कहेंगे कि जो कोई भी आपकी और हमारी इस जुदाई का कारण बना है, हम उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। अब या तो हम जीवित रहेंगे या अरे थारी मती मारी गई है क्या? नौकरी से भी हाथ धोएगा? चार कड़छी घी डाल और बाकी इसमें पानी डाल, पानी, समझा? मार लो, कुछ ही दिन के मेहमान जो हो। क्या मतलब? कुछ नहीं। अरे अरे ये कड़छी इधर रखो, चलो जल्दी आओ, यहाँ बैठो, जल्दी बैठो। हाँ ये लो, तुम दूध पी लो। पहले मेरी एक बात सुनो, ऐसी बात किसी को ना कहना कि चंद दिन के मेहमान हो दुनिया में। तेरी काकी सा को पता चलेगा ना तो उनको कितना दुख होगा। जो सच है वही कह रहा हूँ सेठ जी, आपके दिन अब ज्यादा नहीं बचे हैं। उस दिन जो आदमी हमारे यहाँ खाना खाने आया था, जिसके सामने आप मुगलों की जमकर बुराई कर रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद शहंशाह जलालुद्दीन था। हाँ, और लड़ाई से पहले वो छानबीन करने आया था। अगर मुझे मिल जाए जलाल तो कसम इस घी की मैं उसको कढ़ाई में डालकर जला के जलेबी की तरह कर दूंगा। कहते हैं वो बदला लेना खूब जानता है। और मन ने बरोबर याद है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी सुनिए, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। गुस्ताखी माफ शहंशाह, पर आपसे एक गलती हुई है। मेरी जगह आप उस आमेर की राजकुमारी जोधा को ही उठा लाते। माना कि वो बेपनाह हुस्न की मलिका है, लेकिन अगर हम उसे ले आते तो उसे नायाब बना देते, अहमियत बढ़ जाती है उसकी। तुम्हें तो हम ले आए हैं, लेकिन अब तुम देखना वक्त वक्त चलकर हमारे पास आएगी, हमारी आगोश में।